नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। चीन और अमेरिका के बीच छिड़े ट्रेड वॉर का असर दिखने लगा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन फिसलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मंद पड़ती दुनिया की अर्थव्यवस्था और मांग की कमी होने से चीनी व्यापार में कमी आई है, और इसी का परिणाम है कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन के विकास की गति लड़खड़ाने लगी है और चीनी रफ्तार घट गई है। चीन की इस साल की तीसरी तिमाही का रिजल्ट आ गया है, जिस पर नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि चीनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार चीन की सरकार के अनुमान से भी कम पर आ गई है। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चीनी जीडीपी घटकर 6% पर आ गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए चीनी सरकार ने जी तोड़ मेहनत की थी और कई सेक्टरों में बूम लाने के लिए निवेश भी किया था, लेकिन लाल सरकार के इतना जोर लगाने के बावजूद चीनी अर्थव्यवस्था टस से मस नहीं हुई और नीचे ही गिरती रही और जो आकर 6% पर अटक गई है। अगर तिमाही के आंकड़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यह पहली बार है जब चीनी रफ्तार कम हुई है। अर्थशास्त्रियों की माने तो चीनी अर्थव्यवस्था ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इंजन का काम किया है, और अगर चीनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है तो ये मानकर चला जाए कि विश्व की अर्थव्यवस्था धीमी ही होगी और इसका असर सीधा पड़ेगा और इससे मंदी का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। चीनी जीडीपी पहली बार 1992 में सूचकांक के चरम पर पहुंचकर धीरे धीरे नीचे आने लगी थी और एक बार फिर 2008 में 14% देने के बाद चीनी अर्थव्यवस्था अब 6 के पास आ गई है। कई चीनी अर्थशास्त्री मानते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, इसलिए नीति निर्माताओं को चाहिए कि वो और कुशल नीति बनाएं, लेकिन किसी भी दवा का असर होने में टाइम लगता है। वहीं पिछले साल से चीन और अमेरिका में तू-तू मैं-मैं लगातार जारी है, जिसका असर चीनी जीडीपी पर भी पड़ा है, क्योंकि कारोबार करने वाले व्यापारी भी आशंकित हैं कि न जाने आगे क्या होगा। तो दूसरे मोर्चे पर चीन घरेलू समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों ने खर्च में कटौती कर दी है, जिसका असर भी पड़ने लगा है। वहीं IMF ने चीन पर अपना पूर्वानुमान दिया है कि चीनी अर्थव्यवस्था 6 से 6.2 तक रहेगी और इसके लिए अमेरिका से व्यापार युद्ध होना माना जा रहा है। वहीं कई और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था इससे भी गड़बड़ होगी। वहीं आंकड़े आने के बाद सरकार ने भी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ये आंकड़े ठीक नहीं है और चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीनी जीडीपी का गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा चुनौतियों की वजह से ये बात गंभीर हो गई है। एक तरफ हांगकांग में प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ अमेरिका से चीन का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है और इस मुश्किल की घड़ी में चीन इससे कैसे उबर पाता है।